भारत में भी ये समय के साथ विकृत हो गया। वैटिकन में ये जैसे कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है आमेन। सैकड़ों लोग सिर्फ ओम का उच्चारण करके दवाइयों की जरूरत से पूरी तरह मुक्त हुए हैं। अगर आप बहुत डर लगने की वजह से परेशान हैं तो हर दिन कुछ मिनट ओम का उच्चारण करने से आप में बहुत अंतर आएगा। अगर आपको किसी तरह की ध्वनि का उच्चारण करना है जीभ का इस्तेमाल किए बिना, तो आप किन ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप प्रयोग करके देखें। जीभ का इस्तेमाल किए बिना आवाज निकालने का प्रयास करें। हां, निश्चित रूप से आप आ कर सकते हैं। संभव है। कुछ और? हाँ, संभव है। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, एक व्यक्ति जो गूंगा है, वो कौन सी आवाजें निकालता है? क्योंकि इन तीनों आवाजों के लिए आपकी जीभ का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी जीभ हटा दें तो आप सिर्फ तीन ध्वनियां निकाल सकते हैं। आप जीभ का इस्तेमाल करते हुए, जीभ को अपने तालू में अलग अलग स्थानों पर रखते हुए इन तीन ध्वनियों को मिश्रित करते हैं और बाकी सभी ध्वनियां पैदा करते हैं। अगर आप कलर टेलीविजन के बारे में कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ तीन मूलभूत रंग होते हैं। इन तीन रंगों का प्रयोग करते हुए आप ट्यूब पर हर संभव रंग देख पाते हैं। इसी तरह सिर्फ तीन मूलभूत ध्वनियां होती हैं। इन तीन ध्वनियों का इस्तेमाल करते हुए आप इन सभी दूसरी ध्वनियों को पैदा कर पाते हैं। जीभ बस इन तीन ध्वनियों को मिलाने में आपकी मदद करती है, कई जटिल तरीकों से। अब इन तीन ध्वनियों आ, वू, अन, मा को मूलभूत ध्वनियां या सर्वव्यापी ध्वनियां कहा जाता है, क्योंकि ये तीन ध्वनियां दूसरी सभी ध्वनियों का आधार हैं जिन्हें आप निकाल सकते हैं। अगर आप इन तीनों ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करें तो आप क्या पाते हैं? ये ओम नहीं है। अगर आप मुंह खोलकर हवा को बाहर निकालें तो वो आ बन जाता है। जब आप उसे बीच में बंद करते हैं तो वो ऊ बन जाता है। जब आप उसे बंद करते हैं तो वो बन जाता है। लगभग कोई भी जीव ये तीन ध्वनियां निकाल सकता है। अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है, वे जम्हाई लेने पर क्या करते हैं? अगर वो अपना मुंह खोलते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है, आधे में वो ऊ और बंद करने पर हो जाता है। तो ये तीन मूलभूत ध्वनियां हैं जो उन सभी दूसरी ध्वनियों का आधार हैं जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं। उन्हें सर्वव्यापी ध्वनियां क्यों कहा जाता है? आज आधुनिक विज्ञान आपको बताता है कि समूचा अस्तित्व बस ऊर्जा का एक स्पंदन है। एक ही ऊर्जा अलग अलग रूपों में स्पंदित हो रही है जो उसे कई चीजों में बदल देती है। अगर समूचा अस्तित्व एक स्पंदन है तो जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि भी होगी, है ना?
जहां स्पंदन होगा वहां ध्वनि भी होगी। तो यह संपूर्ण अस्तित्व ध्वनियों का एक जटिल मिश्रण है। ये एक तरह की ध्वनि है, वो दूसरी तरह की ध्वनि है। हर आकार की एक खास ध्वनि होती है। अगर आप ध्वनि को मापने वाले उपकरण ऑसिलोस्कोप में कोई ध्वनि डालें तो उसकी फ्रीक्वेंसी, विस्तार और ध्वनि के दूसरे आयामों के आधार पर वो एक खास आकार बनाती है। इसका अर्थ है कि हर ध्वनि से एक आकार जुड़ा होता है। इसी तरह हर आकार के साथ एक ध्वनि जुड़ी होती है। ध्वनि और आकार के बीच इस संबंध को मंत्रों का विज्ञान कहा जाता है। अब आधुनिक विज्ञान आपके सामने साबित कर रहा है कि समूचा अस्तित्व बस एक स्पंदन है। जहां भी स्पंदन होगा वहां एक ध्वनि होनी ही है, इसीलिए समूचा अस्तित्व ध्वनि है। और ध्वनियों के इन सभी जटिल मिश्रण के लिए मूल ध्वनि है आ, वु, अन्म और आम। ओम को सर्वव्यापी ध्वनि, मूलभूत ध्वनि के रूप में देखा जाता है। ईसाई धर्म में आज वे जो कुछ भी कहते हैं, वे जो कुछ भी कहते हैं अंत में कहते हैं आमेन। अगर आप देखें कि वेटिकन में इसे कैसे कहा जाता है, इसे हमेशा ऐसे कहते हैं आमेन। इसमें से एन हटा दें और फिर आमेन कहें आ, ओ। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप तमिल में भी इसका असर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए राम, आप राम को जानते हैं, अयोध्या में जन्मे। जब वो दक्षिण आए, जब उन्होंने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रवेश किया, तब लोगों ने उन्हें रामा कहा। फिर उन्होंने तमिलनाडु की सीमा पार की, वहां लोगों ने उन्हें कहा रामन। अगर कृष्ण तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या कहेंगे? कृष्णन। अगर अर्जुन तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या कहेंगे? अर्जुनन। अगर भीम तमिलनाडु आते हैं तो आप क्या कहेंगे? भीमन। तो जो भी तमिलनाडु की सीमा के अंदर आता है वो अनंत हो जाता है। तमिल में अन्न का ये असर आर्माइक से भी कई ज्यादा मजबूत है। आमेन। आमेन से आप एन निकाल दें तो ये बस ओम रह जाता है। आज ये आमेन अमेरिका चला गया है और बन गया है एमेन। ये सब जो हुआ वो सांस्कृतिक और भाषाई विकृतियां हैं। उसी इलाके में जन्मे इस्लाम में भी उन्हीं सांस्कृतिक और भाषाई प्रभावों के कारण आमीन कहा जाता है। इन हटाकर आमीन कहें ओह, वही ध्वनि। क्योंकि जहां भी कोई मनुष्य अपनी प्रकृति से मौन हुआ है, स्कूल में शिक्षकों द्वारा चुप कराने से नहीं, अपने कानों को बंद करने से नहीं, जब आप अपनी प्रकृति से मौन होते हैं तो ओम ध्वनि आपके सिस्टम में स्पंदित होगी। क्योंकि आपके भौतिक अस्तित्व के लिए मूलभूत ध्वनि ओम है। जब ओम स्पंदित होता है तो वो आपकी नाभि के ठीक नीचे से शुरू होकर आपकी नाक के सिरे पर खत्म होता है। ये स्पंदन अपने आप घटित होता है। तो जब भी कोई इंसान वास्तव में मौन होकर बैठा जब उसके अंदर संपूर्ण मौन था तो वो हमेशा जिस ध्वनि के प्रति जागरूक हुआ वो है आम। जब उसने उसे संप्रेषित किया
तो वो भाषाई और सांस्कृतिक प्रभावों के अनुसार समय के साथ विकृत हो गया। भारत में भी आम बन गया है ओम, यह ओम नहीं है। अपना मुंह खोले और बोले आ, अपना मुंह थोड़ा बंद करें, यह बन जाएगा उ, पूरा बंद करने पर यह हो जाएगा हम। ओम ध्वनि के अनगिनत फायदे हैं। आज भी जब कोई यहां किसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या के साथ आता है तो पहला परामर्श हमेशा ओम होता है। कुछ सप्ताह तक इसे कीजिए, आपके अंदर ठहराव आता है, फिर हम दूसरे पहलुओं की जांच करते हैं। मैं आपको सैकड़ों लोग दिखा सकता हूं जिनके लिए मेडिकल तौर पर यह माना जाता था कि उन्हें जीवन भर मनोचिकित्सा की दवाओं पर रहना होगा। उन्होंने सिर्फ ओम का जाप करते हुए दवाओं की जरूरत खत्म कर ली है। अगर आप अत्यधिक भय, विकृत और बुरे सपनों से पीड़ित हैं, आपका मन और शरीर अस्थिर है, अगर आपका सामान्य ढांचा कमजोर है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, खासकर बच्चों को अगर ध्यान देने में मुश्किल आती हो तो रोजाना दिन में कुछ मिनट के लिए ओम का जाप बहुत फर्क ला सकता है। अगर आपको ये समस्या है कि आप जीवन में कोई भी चीज एक खास दृढ़ता से नहीं कर पाते तो ओम का रोजाना जाप आपके लिए वास्तव में रूपांतरकारी हो सकता है। आप कुछ सप्ताह के अंदर अपने काम करने के तरीके में असाधारण फर्क महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके भौतिक अस्तित्व की मूलभूत ध्वनि है।